मार्केट के हवाले करके इसका पैसा बनाएंगे। ये मार्केट पर 3 मुख्य जिलों डिग्री है, जिसमें 11 सदर केस और सुप्रीम कोर्ट पर हमला और बाजार के नाम बंदी गर्म बनाए हैं। उन्होंने एक इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने अपने असल एसेट्स जो है वो छुपाए हैं। इन तीनों इल्जाम पर तकरीबन 1:30 बजे अदालत अपना फैसला सुनाएंगे और यह नवाजी के कागजात मंजूर या मुस्तर हो जाएंगे। दूसरी जानक पाकिस्तान मुस्लिम लीग मूल के सदर मियां शहबाज शेख के इसी 154 के कागजात जमा करवाए गए थे, जिन पर शाहिद भारत सही और अगर होती हैं जो मुख्य पत्रकार किए थे, जिनने सुप्रीम कोर्ट पर हमला केस और 1997 में 166 उन्होंने की थी, जिसमें मुख्य जजेस के खिलाफ इल्जाम आयद किया गया है कि मतलब उन्होंने गलत जुबान इस्तेमाल की थी। इस केस का भी फैसला आज ही होता है। दोनों तरफ से लड़ाई मुकम्मल हो चुकी है और 1:30 बजे के बाद किसी भी वक्त की फैसला सुनाया जा सकता है। सभी ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में पेपर पे उनका भी फैसला आ जाएगा या उनके भी ये है कि उनके पेपर्स को भी चैलेंज किया गया है 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो वो खड़े हो रहे हैं। जी ये शहबाज शरीफ लाहौर से 2 मुख्य तत्वों के इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैसे 154 में 3 मुख्य अफराध ने उन पर नामजदगी पर एतराज किए थे। उस पर भी फैसला दोनों को अफराध को क्रिकेट के बुलाए सुने जा चुके हैं और आज 1:30 बजे के बाद उस पर फैसला मुकम्मल हो गया। जबकि सीपी 141 लाहौर की सीट पर भी मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ 3 मुख्य अफराध ने इल्जाम आयद किए थे। इन इल्जाम पर दोनों तरफ से भी बलाएं मुकम्मल हो चुकी हैं, जबकि अदालत ने 17 मई तक की फैसला महफूज कर लिया है और 17 मई को सबको ये फैसला सुनाए जाने की तो है। तहम अब तक की जो कार्रवाई सामने आई है उसमें मुख्य 4 कैंडिडेट हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के मियाँ पार्टी के अजीज रहमान चंद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मियाँ एजाज कुटू और 2 आजाद उम्मीदवारों के कागजात मियाँ नवाज शरीफ के मुकाबले में मंजूर किए जा चुके हैं। शुक्रिया आपका यहाँ से हमारे नुमाइंदे और से हमें अपडेट दे रहे थे। बागडोर एजेंसी के इलाके दामोदोला में उनकी तैयारी के मुताबिक हमले में फलस्तीनी बच्चे समेत 20 अपना जान भाग हो गए हैं। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक बगैर खारिज करने की तैयारी में 2 मकाना को मजाया दाखिल। हमारे कहने के पूर्व पाकिस्तान और सिर्फ के दरमियान फायदे के बाद अफगानिस्तान के अंदर तशद्दुद में इजाफा हुआ है। नेटो के चीफ तर्जुमान जेम्स पाथोराय ने ब्रसेल्स में Thank you.